ये तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है, एक पूरी बेसिक स्ट्रक्चर्ड वेबसाइट जिसमें फ्रंट एंड भी शामिल हो और थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट भी शामिल हो। तो हम लोग इस फोल्डर को पहले एम्प्टी कर देते हैं। मुझे ना थोड़ी बूटस्ट्रैप आती हो, मैं यूज़ कर लूँ। जी बूटस्ट्रैप वगैरह जो आपको आती हो वो यूज़ कर लें, आपके एडवांटेज के लिए ही होगी वो। सही है, सही। तो हम लोग एक पेज बनाएंगे, होम पेज डॉट HTML एक्सटेंशन के साथ। HTML एक्सटेंशन तो याद है ना सबको, CSS के लिए कौन सा एक्सटेंशन यूज़ होता है, HTML के लिए कौन सा यूज़ होता है और जी उसके लिए कौन सा यूज़ होता है। जी यस सर। के लिए डॉट जेएस, जावास्क्रिप्ट जी डॉट सीएसएस। सही, तो हम आगे चलते हैं। एक होम पेज का हम लोग ने HTML फाइल बना दी, एक स्टाइल डॉट CSS की यूज़ कर ली। हम लोग इसको ना थोड़ा स्टैंडर्डाइज लेके चलेंगे कि इंटरनल CSS, इनलाइन CSS कम से कम लिखेंगे, एक्सटर्नल CSS ही ज़्यादातर यूज़ करेंगे। अब हम तीसरी भी फाइल बना देते हैं जो अभी हम लोग को नीट आगे हो सकती है। इसमें हम बना देते हैं स्क्रिप्ट डॉट js। सही, ये सही। हमारी तीन फाइल बन गई। अभी हम स्क्रिप्ट की फाइल को क्लोज कर देते हैं और स्टाइल की फाइल को क्लोज कर देते हैं। आप ना जरा फोटो बनाना सिखा दिएगा। सही है, हम लोग ने एक बेसिक HTML का टेम्पलेट जनरेट कर लिया, या अगर आपको ऐसे लिखना है तो ऐसे लिख लेते हैं HTML। HTML फिर हेड का टैग आता है, हेड के टैग में आता है टाइटल का टैग, या फिर हम लिख देते हैं होम पेज। फिर यहाँ पे हेड के टैग के बाद आता है बॉडी का टैग। इसको हम लाइव सर्वर से ओपन कर लेते हैं, जैसे ही गूगल पे ओपन कर लेते हैं। ये हमारा गूगल पे पेज ओपन हो गया। अगर अभी मैं कुछ भी यहाँ पे डिव वगैरह बनाऊंगा, कुछ भी डिव बनाऊंगा, तो ये थोड़े गैप से बन रही होती है, इधर से भी थोड़ा गैप होता है, इधर से भी गैप होता है। ये HTML का डिफॉल्ट गैप होता है, इसको एंड करने के लिए यहाँ पे हम पहले स्टाइल के लिए एक स्क्रिप्ट मतलब CSS लिंक करा लेते हैं। लिंक रिलेशन स्टाइल स्टाइल शीट। अब इसमें बताएं इसमें मैं क्या डालूं, कि मतलब दूसरा एट्रीब्यूट क्या होता है एक्सटर्नल को लिंक कराने के लिए, बताएं। जैप होता है। जी href स्टाइल डॉट CSS। अब इसमें मैं इसको बॉडी को, हम लोग को बॉडी वाले टैग को लेना है, तो हम लोग मैंने सिर्फ बॉडी का टैग लिखा। इसमें डालूंगा मैं मार्जिन जीरो पे पिक्सल स्टैटिक भी यूज़ करते हैं। क्या स्टेरिक? नहीं, स्टैटिक स्टेरिक जो होता है वो होता है यूनिवर्सल सिलेक्टर के लिए। सही है, जो अब अभी तो हम लोग को बॉडी की नीड है ना, ये देखें बॉडी जीरो पिक्सल हो गया, मार्जिन हर तरफ से, पैडिंग 0 पिक्सल। स्टेरिक वो होता है अगर क्लास के अंदर डिफाइन नहीं होती ना, अगर हम लोग यहाँ पे और भी डिव्स बना रहे होते हैं, अगर डिव में बाय डिफॉल्ट अगर कोई चीज़ आ गई, मतलब मार्जिन पैडिंग आ गई, तो वो उसको भी जीरो कर देता है। बाय डिफॉल्ट की बात कर रहा हूँ, इन क्लास की बात नहीं कर रहा, इन क्लास मतलब जब हम कोई क्लास बनाएंगे वो उसको तरजीह देते हैं। ये यूनिवर्सल सेलेक्टर्स हैं, मैंने आपको बताया था स्टैटिक जैसे यूनिवर्सल सेलेक्टर HTML, मतलब अगर बेसिक में यहाँ पे जैसे बॉडी लिखा था वो टैग सेलेक्टर, डॉट करके कुछ भी आगे लिखते हैं वो क्लास सेलेक्टर, और उसके आगे हैश करके कुछ भी लिखते हैं तो वो होता है आपका ID सेलेक्टर। सही है, अब ये हो गया, आगे चलते हैं। कोई कौन सा बनाते हैं, एक बना लेते हैं हम लोग YouTube की, बना लेते हैं छोटी सी YouTube की, या आप लोग को कोई ऐसी बनाते हैं जिसमें फुटर वगैरह भी सही से हो। इसमें तो ऐसा ही फुटर है साइड पे, क्योंकि यहाँ पे ये एंड तक चलती गई जा रही है। तो एक
खुद ही जनरेट कर लेते हैं। अब इसमें हम बनाते हैं एक नैव बार, डिफ को हटा दें, नैव नैव का टैग यूज करा हम लोग ने, सही है। इसमें हम लोग डाल देंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट, इसमें एल आई डाल देंगे, होम इसी तरह से तीन बना लेंगे, अबाउट कॉन्टेक्ट, तीसरा क्या बना लेते हैं पैक, और पैक एंड ऐसे कुछ होता है ना, पैक एंड पोर्टफोलियो हेल्प कर देते हैं, हेल्प सर्विसेज, ये हो गया, ये टर्म्स होती हैं, पैक एंड टर्म्स कर देते हैं, सही, ये हो गया। अब हम लोग नेव को, नेव बार को एक क्लास देते हैं, एक मिनट रुकना, सही है, नेव बार क्लास देंगे, क्लास नेव बार यहाँ पे है, हम लोग ने डॉट क्लास करके एक्सेस कर लिया नेव बार। अच्छा यहाँ से हम लोग ने जब ऊपर, फैजान आपका माइक थोड़ा वो हो रहा है, हम लोग ने यहाँ पे पहले सेलेक्ट कर लिया था कि मार्जिन पैटर्न सबकी जीरो कर दी, तो इस वजह से वो ऊपर से नहीं आया। अगर मैं इसको कमिट कर दूँ ना, ये देखें ये आगे से आ रहा है, अभी इसकी मार्जिन पैडिंग जीरो है, तो इस वजह से ये पीछे से आ रहा है। अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, ऑर्डर लेस अनऑर्डर लेस, यहाँ पे हम लोग बनाते हैं नेव बार में, हम लोग दे देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स लिया, यूएल के इसको यूएल को देते हैं यूएल, ये देखें सारे लाइन से आ गए। यार क्या हुआ, तो नहीं हो रही, पता नहीं लोड हो रहा है क्या, इसको हम लोडिंग हो रही, पता नहीं स्क्रीन शो नहीं हो रही मुझे। अच्छा रीजॉइन कर लें, अब हो गई, यहाँ पे हम लोग दे देते हैं href hash करके दे देते हैं कि ये इसी पेज को, इसी पेज पे अगर हम क्लिक करें तो लोड इसी पे यही पेज हो, सही, ये हो गया हमारा ये। अभी हम लोग को इसको और सेटिंग करनी है कि ये अभी अच्छी सी नेव बार नहीं लग रही, तो हम लोग यहाँ पे एक नेव बार की यूएल जब हटा देते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स दिया हुआ है, अब इसको हम लोग देते हैं पैडिंग 20 पिक्सल, 20 पिक्सल ज़्यादा लग जाए, पैडिंग ब्लॉक 10 पिक्सल, पैडिंग इन लाइन 20 पिक्सल, अब सही है। वो हम लोग इसको कंटेंट के बीच में से देंगे, जस्टिफायर कंटेंट सेंटर, सेंटर हो गया, और यहाँ पे हम लोग एक दे देंगे स्पेस बिटवीन, होता है क्या होता है, स्पेस बिटवीन शायद होता, नहीं नहीं वो क्या, वो उसकी प्रॉपर्टी होती है, मतलब वैल्यू होती है, उसके अलावा भी कुछ होता है, अलाइन आइटम्स होता है, स्पेस बिटवीन नहीं होता, पोजीशन नहीं, पोजीशन में स्पेस बिटवीन नहीं होता, पोजीशन हम लोग इसको दे देंगे रिलेटिव की जगह, रिलेटिव रिलेटिव स्टैटिक, स्टैटिक नेव बार है ना, हमें तो ये हमेशा ऊपर वाली चाहिए। अब इसका हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर एक्वा से थोड़ा इसको लाइट करते हैं, ज्यादा ही लाइट हो गया,
जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बेस्ड टूल होता है ग्रे करना ये हो गया स्पेस इवनली कर लेते हैं सही है क्या करना है ग्रे कर लें ग्रे कर लें अब हम लोग इसको ये देखा टेक्स्ट डेकोरेशन नन मैंने ए का करा तो क्या फर्क पड़ा जो लाइंस वगैरह थी वो चले गई वो हट हाँ गई अंडरलाइन अंडरलाइन जी पर अभी भी ये इमेज लिंक ही है देखना हाँ अब हम लोग सारे ए के लिए एक जनरलाइज्ड क्लास बनाते हैं इसको हम लोग दे देते हैं सारे ए को कलर कलर ब्लैक ये ब्लैक होगा अब ए के लिए ए होवर आपको बताया था कि जब इसके ऊपर माउस है होवर पे हम लोग होवर की प्रॉपर्टीज रिफाइन कर देते हैं कलर 10 पिक्स कलर क्या कौन सा देते हैं इसका ब्लरी वोट कैसा कलर है सही है ट्रांसफॉर्म नहीं YouTube का बना रहे ना नहीं नहीं YouTube में नहीं बना रहे ऐसे ही बना रहे ट्रांजिशन सेकंड काफी स्लो हो रही है 1 सेकंड फिर भी सही है ये देख रहे हैं पहले क्या हो रहा था अगर मैं ट्रांजिशन वाली प्रॉपर्टी हटाता हूँ यहाँ से फौरन फौरन हो रहा था हूँ होवर के इफेक्ट फौरन फौरन आ रहे थे पर अभी थोड़ा इसको स्मूथनेस के साथ करना है तो थोड़ा वो करते हैं ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी लगा देते हैं इसमें एक्टिव की प्रॉपर्टीज भी आती हैं एक्टिव किसकी एक्टिव विदित जी वो एक्टिव की वो होती है विदित जो भी आपके पास मतलब जो होम भी क्लिक पेज होता है के वो ज्यादातर एक्टिव होता है जी अभी हम लोग एक बेसिक ही बना रहे हैं कलर ये कर देते हैं अब हम इसकी थोड़ी सी फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं फॉन्ट साइज लार्ज लार्ज नहीं करते 20 पिक्सल आई थिंक बेसिक बेसिक कितना होता है 20 होता है या नेवर को हम लोग फिक्स हाइट देते हैं हाइट 200 पिक्सल ज़्यादा हो जाएगी हम लोग इसको दे देते हैं 50 पिक्सल नहीं 30 दे देते हैं 30 भी नहीं 20 दे देते हैं और इसका हम लोग फॉन्ट साइज होवर पे कर देते हैं 15 नहीं 20 कर देते हैं ये सही लग रहा है और इससे देखें क्या फर्क पड़ रहा है अगर मैं किसी को होवर करता हूँ ना दूसरे वालों पे ज्यादा फर्क पड़ रहा है ज़ूम हो दूसरे रहा वाले दूसरे जूम तो हो रहा है पर दूसरे वाले देखें कि आगे पीछे हो जा रहे हैं थोड़ा हिल रहे हैं ये अच्छा नहीं लग रहा अगर मैं ट्रांजिशन हटा दूँ ना अब ये देखें और ख़राब लगेंगे ये देखें देख रहे हैं डांस कर रहे हैं ऐसा लग रहा है यार अभी सर्वर पे जाके इंस्पेक्ट एलिमेंट के अलावा मैं तुम्हें एक टूल बताता हूँ अगर तुम HTML CSS के बेसिक वेबसाइट पे चलाओगे ना वो तुम्हारे पास एक्जेटिस CSS वगैरह सब की तुम्हें इवन की JavaScript जो उस पर लगी हुई है उसकी भी आपको कॉपी बना के दे देता है ऐसे ऐसे टूल्स हैं अभी हम लोग यहाँ पे सीखने आए हैं कोडिंग कैसे होती है ये नहीं कि टूल्स वो वाले किस तरह से इस्तेमाल करते हैं अभी आप रिएक्ट वगैरह पे आप ये वाले टूल्स वगैरह नहीं कर सकते इंस्पेक्ट एलिमेंट करके भी इवन नहीं कर सकते क्योंकि रिएक्ट पे सारा काम हो ही स्क्रिप्ट पे रहा होता है आगे बढ़ते हैं अब हम
एक नेविगेशन से पहले एक और एक का लगाते हैं, यहाँ पे हम डाल देते हैं इमेज img src alter लोगो इमेज। इमेज कर दिया, सही है। अब हम इसको देते हैं एंगल ओवर, उस चाइल्ड किस तरह से लगते थे, हाँ सही है। खैर ये वाली CSS में अभी नहीं पढ़ा रहा, ये एक्स्ट्रा सेलेक्टर्स होते हैं, फर्स्ट चाइल्ड वगैरह, फर्स्ट चाइल्ड करके एंड चाइल्ड करके, कि ये जो एक कंपोनेंट के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं ना, ये इसका पहला बच्चा है, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, ये चौथा बच्चा, पांचवा बच्चा, इस तरह से सेव हो रही होती हैं। तो आप पर उसको भी गेट कर सकते हो इन एक्स्ट्रा सेलेक्टर्स के ज़रिए। जैसे अभी मैंने ये करा था फर्स्ट चाइल्ड, इसमें मैंने ये बोला कि ट्रांजिशन तो हो बस फर्स्ट चाइल्ड पे ना, ये देखें टेन पिक्सल, आई थिंक बेसिक साइज आई थिंक 12 होता है, 12 नहीं होता, 15 होता होगा, 15 या 18 होता है, ये 18 ज्यादा है, 15 होगा। ये देखें फर्स्ट चाइल्ड पे ये वाली हमारी यूज होगी, बाकी सब पे दूसरी वाली, देख रहे हैं। ये भी वो होते हैं सेलेक्टर्स, जैसे होवर के लिए होता है, एक्टिव के लिए होता है, ये हम लोग ने फर्स्ट चाइल्ड पे होवर अगर हो तो ये वाली प्रॉपर्टी लगाओ, वरना बाकियों पे ये वाली लगाओ। तो ये हम लोग हटा देते हैं, या फिर इसको लगे रहने देते हैं, इसको हम कर देते हैं 17 पिक्सल, 16 कर देते हैं यार, यही है सही है। अगर ये जगह हमारी पिक्चर होती तो वो भी ट्रांजिशन तो होती ना उस पे। उस पे भी होगी, उस पे कलर्स की नहीं होगी, वो जूम इन हो जाएगी, समझ रहे हैं। हाँ तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग की, ये नेविगेशन मतलब एक बेसिक नेव बार बन गई, सही है। यहाँ पे कोई भी पिक्चर वगैरह लगा देंगे लोगों की। अब हम लोग दूसरा पहले बनाते हैं फुटर, फुटर सही है। यहाँ पे हम लोग एक फुटर का टैग बना दिया, यहाँ पे हम लोग इसको क्लास दे देंगे फुटर की, यहाँ पे हम लोग एक H1 डाल देंगे बेसिक फुटर, सही है। और यहाँ पे हम इधर आके फुटर वाली क्लास को दे देते हैं बैकग्राउंड कलर, ब्लैक, और ब्लैक को हम कर देते हैं थोड़ा सा कम, ताकि ब्लैक तो है पर आंखों पे इफेक्ट नहीं पड़े। अगर हम पूरा ब्लैक यूज़ कर रहे होते ना तो यूजर्स के आंखों पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा होता है, कि ज्यादा जल्दी वीक हो रही होती हैं, दिखने में तो अच्छा लगता है पर आंखों के लिए खराब होता है। अब हम लोग इसको दे देते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट, तो ये सबसे यहाँ पे आ जाएगा। और फिर हम लोग इसको दे देते हैं मार्जिन टॉप 50%, या यहाँ पे रहेगा बॉटम पे रहेगा 80 VH दे देते हैं, VH 80 VH नहीं 100 दे देते हैं, 100 ज़्यादा चले जाएगा। इसकी पहले एक हाइट देते हैं, हाइट 20 VH, 20 ज़्यादा हो जाती है, 10 दे देते हैं,
10 भी ज्यादा है तो 5 दे देते हैं। 5 5 ये दे देते हैं। ऑप्शन 2 VH और नेवर के हाइट दे देते हैं हम लोग 5 VH। ये भी सही है। हम लोग ने इसकी पोजीशन दे दी ना, तो हम लोग ने दे दिया बॉटम 0 पिक्सल के, मतलब पोजीशन एब्सोल्यूट करने के बाद हम लोग इसको अगर जो भी दे रहे होते ना, तो ये वहाँ पे स्टिक हो जाता है, ये बाकी चीज़ों को नहीं देखता। अगर हम अब इसकी वेट दे देते हैं 100 व्यू विड्थ, ये पूरा ये कवर हो रहा है और हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है थोड़ा सा। ओवरफ्लो क्यों हो रहा है अब इसमें? नीचे तो क्या केले की कर अगर पूरे 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 सूखे नहीं आए देते हैं यहाँ से। सही है, सही। ये हो गए हमारी सारी चीज़ें, बेसिक फुटर बन गया और बेसिक आपका ये बन गया, पर इसमें ये आ रहा है तो इसको हम लोग कर देते हैं 4VH, फिर भी आ रहा है। थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं, 10 कर देते हैं, यहाँ पे और भी चीज़ें आ जाएंगी। अच्छा ये हम लोग का सही, और नेवर के लिए स्टेटिक बनाया है, फुटर भी हो गया। अभी कुछ मुझे देखना है, देख ये सिर्फ ऊपर तक ही रहेगा। ये सही है, जब हम लोग को इतना प्लेग्राउंड मिल गया। अब हम लोग की देखें नेव बार तो फिक्स है, कि अगर मैं नीचे भी स्क्रॉल कर रहा हूँ तो वो ऊपर ही रह रही है, हमारा जो फुटर है वो नीचे ही है, कि मतलब अगर मैं इसको नीचे कर रहा हूँ ना, तो ये जब ही आ रहा है जब हम लोग बॉटम पे जा रहे हैं, सबसे एंड पे जा रहे हैं। अगर मैं अब बॉडी में मेन डिव की जो बॉडी बनाई है ना मैंने यहाँ पे, इसमें जितनी भी हाइट दे दूँ आपका, चाहे 200 दे दूँ, 100 VH दे दूँ, 1000 दे दूँ मैं, कि ये देखें इतना बड़ा ये स्क्रॉल बार बन गया, पर फुटर आपका नीचे ही है और आपका जो ये है ये हेडर आपसे ऊपर ही रहेगा, नीचे तक बिल्कुल डाउन तक। इतना समझ में आ गया सबको, फुटर की बात समझ में आ गई, जो पूछ रहे थे फुटर बना के दिखा दें।
जी जी अब इसमें हम लोग कुछ भी बना सकते हैं। अब हम मेन डिव को हाइट दे देते हैं, जो हमारी मेन डिव है ना इसको हम हाइट दे देते हैं फिट कंटेंट। ठीक है, ये हमारी फिट कंटेंट की, और मार्जिन इसको थोड़ा सा टॉप देते हैं, क्योंकि हमारी अगर आप देखेंगे ना फैदान शोर आ रहा है, अगर हम लोग देखेंगे ना नेव बार की हम लोग ने पोजीशन फिक्स करी हुई है, तो फिक्स करते हैं तो ये दूसरी भी जो डिव वगैरह होती है ना वो रिलेटिव पर नहीं रहता इसका, कि मतलब वो इस फैदान शोर आ रहा है, अपना माइक म्यूट कर लें उसको, वो बोलते हैं उससे जो बॉक्स बॉर्डर बताया था ना मैंने आपको, बॉक्स पूरा मॉडल बॉक्स मॉडल, उसमें इसकी जो हाइट है वो निगलेक्ट हो जाती है, ये इसके नीचे कोई भी जैसे डिव आ सकती है, तो हम लोग इसकी हाइट जितनी हाइट दी है इतने उसको मेन डिव को पैडिंग दे देंगे या मार्जिन दे देंगे, मार्जिन टॉप। अब मैं इसको 3 VH दिया, मार्जिन टॉप इसके दे दूंगा मैं 3 VH। ये देखें अब इससे शुरू हो गया, सही है। अब देखें हम लोग की जो मेन डिव की हाइट थी वो फिट कॉन्टेंट है, अभी इसमें कोई कॉन्टेंट ही नहीं है, इसमें कुछ डाला भी नहीं है हम लोग ने मेन डिव में, तो हमारा बॉर्डर जो हमारा पेज की जो मेन मेन हाइट है ना वो यहाँ से यहाँ तक हो गई 3 VH ये वाली, और बेसिक 5 VH का फुटर हमारा ये वाला। VH में इस वजह से यूज़ कर रहा हूँ व्यू हाइट व्यू विथ के, अगर मैं इसको छोटा बड़ा भी करता हूँ ना अगर किसी भी स्क्रीन पे खोल लो ना तो ये इतने ही उस पर आएगा। पिक्सल्स में क्या होता है, पिक्सल हर स्क्रीन के ना लिए ना पिक्सल्स अलग अलग होते हैं, जैसे मीडिया क्यूरी उस वजह से ही ज़्यादा लगानी पड़ती है स्क्रीन चेंज करने के लिए। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा, परसेंटेज भी यूज़ कर सकते हैं, परसेंटेज यूज़ कर सकते हैं, पर परसेंटेज में ये होता है कि वो भी वी एच व्यू विथ के ही होता है, पर इसमें हम लोग को पास ज़्यादा डिफाइन हो जाता है। परसेंटेज में आपका ये होता है विथ देंगे वो भी परसेंटेज में देंगे, हाइट देंगे वो भी परसेंटेज में देंगे, जिसमें ये होता है कि हाइट के लिए अलग परसेंटेज ये ले रहा होता है, विथ के लिए अलग परसेंटेज ले रहा होता है, समझ रहे, पूरा डिफाइन हुआ हुआ होता है। वी एच व्यू हाइट वी डब्ल्यू व्यू विथ, परसेंटेज में आपको ये नहीं दिखता कि विथ कौन सी है हाइट कौन सी है। अब हम आगे इसमें बॉडी की हम लोग ने डिव दे दी, ये मैं कमेंट्स डाल रहा हूँ ताकि मुझे बाद में आइडिया रहे कि कहाँ से कौन सी क्लासेस स्टार्ट है कौन सी खत्म है। फॉर मेन डिव इसी तरह से इसमें भी कमेंट डाल देंगे, नेव बार स्टार्ट नहीं, आप कोई भी क्लास दे सकते हैं, यहाँ पे मैंने क्लास मेन डिव दी हुई है तो इस वजह से आप उसमें यहाँ पे कोई भी क्लास दें वहाँ पे, यहाँ पे उसी नाम से कॉल कर लें मेन सेक्शन स्टार मेन सेक्शन एंड इसी तरह से हम लोग यहाँ पे दे देंगे फुटर स्टार फुटर एंड। नहीं ये क्लास देना लाजमी नहीं है, कोई भी क्लास हम डाल सकते हैं, सही है। अच्छा इस क्लास के बाद एक काम करिएगा सब अपने ना मुझे पर्सनल पे मैसेज कर दिएगा, ताकि जो जो बच्चे क्विज और वो अटेम्प्ट कर रहे हैं उनके असेसमेंट उनका रिकॉर्ड रहेगा, और इस वीक में मैं बच्चों को निकालना शुरू कर दूंगा ग्रुप से, जो क्लास बिल्कुल भी नहीं लेते ऐसे ग्रुप में बैठे हुए 100 से ऊपर, उन लोगों को डिस्कार्ड कर देंगे। ये हो गया, अब हम लोग मेन डिव में आ जाते हैं। मेन डिव में हम लोग एक अनस्प्लैश पे जाते हैं, unsplash.com, इससे आप लोग को पिक्चर्स हाई क्वालिटी में मिलेगी और विदाउट मतलब गूगल के उसके अलावा, ये जैसे ये है ये है ये है
ये लगा लेते हैं। ये किसने बनाया, ये क्या सीन है? अच्छा ये हाँ हम बात का था। एक ये कर लेते हैं और ओरिएंटेशन इधर से सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई सर्च करते हैं, जैसे एक कंप्यूटर का बना लेते हैं इसमें कंप्यूटर। ये कर लेते हैं, पहले ओरिएंटेशन सेलेक्ट कर लेते हैं, स्क्वायर की नहीं मेरी लैंडस्केप स्क्रीन है तो ओरिएंटेशन लैंडस्केप पे करके ये वाली कर लेते हैं। मैं ऐसे ही एनिमेशन के लिए अपने स्क्रॉल बार की एनिमेशन के लिए एक वो ले रहा हूँ सुपरमैन का पीएनजी, इसको हम लोग रोटेट करते हुए दिखा देंगे। जेपीजी है ये तो। हमारे दो सेक्शन बना लेते हैं, दो सेक्शन की एक छोटी सी वेबसाइट, क्योंकि क्लास का टाइम ज़्यादा हो रहा है। हम लोग यहाँ पे पीसी पार्ट्स लिख देते हैं, पीसी पार्ट्स सही है। थोड़ी सी क्लीन इमेजेस यूज़ करेंगे इसमें। ये हमें जो जो चाहिए था वो हम लोग ने डाउनलोड कर लिया। अब हम लोग आते हैं अपनी उस पे कोडिंग पे। अब हम लोग इधर लिखते हैं मेन डिव में, तीन सेक्शन बनाते हैं, मतलब तीन डिव और बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सेक्शन सेक्शन, हम लोग क्लास दे देंगे फर्स्ट सेक्शन। इसी तरह से तीनों सेक्शन में हम लोग क्लास दे देंगे, एक तो फर्स्ट सेक्शन दे दी, एक को हम लोग ने सेकेंड सेक्शन और तीसरे वाले को थर्ड सेक्शन दे देते हैं। तीन क्लासेस दे दी।
तीन वो हो गई। अब मेन डिफ के अंदर हम लोग पहले फर्स्ट सेक्शन को टारगेट करते हैं, FIRST फर्स्ट सेक्शन। अभी नहीं, नहीं फायदा रॉजर्स, मीडिया क्यूरी लगानी फिर भी पड़ेगी, जिससे क्या होगा कि इससे कंटेंट थोड़ा VHVW से ना मैनेजेबल रहता है। मीडिया क्यूरी से आप स्टेट चेंज कर सकते हो पूरी के, मतलब जैसे हम, मैंने ये देखें ये कंटेंट जो है हमारा अभी, ये है तो थोड़ा स्टेबल कि हम लोग ने VHVW यूज़ करा हुआ है, इसकी वजह से अगर मैं ये देख लूँ बेसिक फुटर देखें ये पूरा यहाँ तक वगैरह आ रहा है, मैनेजेबल तो है, पर इससे ये नहीं है कि एक मिनट। इससे ये नहीं होता कि मैं पूरा ये चेंज कर दूं कि ये अगर इतना छोटा हो जाए तो यहाँ पे ये क्लास गायब करके और वो ले आओ, तो ये मीडिया क्यूरी के थ्रू ही होता है। मीडिया क्यूरी या बूटस्ट्रैप वगैरह इसके लिए। चलें अभी हम लोग आगे आ गए। सही, अब हम लोग इसमें लिखेंगे फर्स्ट सेक्शन में, इसकी हाइट देंगे हम लोग 100 VH, ये इतनी हो गई 100 VH इसकी हाइट हो गई, कि इसके बाद ही सही चीज़ें। और इसको हम लोग दे देंगे बैकग्राउंड, बैकग्राउंड इमेज URL, और जो हम लोग ने फर्स्ट सेक्शन के लिए यूज़ करा है, ये हो गए हमारे फर्स्ट सेक्शन की। इसको हम लोग इमेज साइज दे देंगे पोजीशन, अरे ये चीज को ऐसा स्लाइडर यूज करना हो तो। क्या मतलब स्लाइडर, वो कैरोसेल, कैरोसेल की बात कर रहे हो? हाँ जी, वो खुद ब खुद ऑटोमेटिक लेफ्ट टू राइट मूव होती हैं। वो जावास्क्रिप्ट उसमें यूज होगी क्या? मतलब जावास्क्रिप्ट यूज होगी या कोई सा पैकेज यूज करने के के लिए? थ्रू भी हो जाता है, जी टूल है तो बूटस्ट्रैप के थ्रू, आपके। तो वो तो बूट, देखें बूटस्ट्रैप और जावास्क्रिप्ट और CSS में ना डिफरेंशिएट करा करें, ये CSS के जो फ्रेमवर्क हैं जिसमें जावास्क्रिप्ट ऐड हुई है, बूटस्ट्रैप है जैसे टेलविंड है, इसमें पहले ही डिफाइन है इनकी, ये जो क्लासेस आप यूज़ कर रहे होते हैं ना कॉल स्पैन थ्री या टेलविंड में तो ग्रिड कॉल होता है, ग्रिड कॉलम, तो ये बाकायदा पूरी पूरी इस तरह से क्लासेस बनाई हुई होती हैं, उसमें जावास्क्रिप्ट भी ऐड हो रही होती है, वो एक पूरी लाइब्रेरी होती है, फ्रेमवर्क होता है, समझ रहे? वो एक यस आपको सर। फ्लो को आसान कर देता है। सही,
अभी कैरेजल बनाने के लिए हम लोग को पूरा स्क्रिप्ट भी लिखनी पड़ेगी कि इतने सेकंड बाद ये चेंज कर दो, ये क्लास ऐड कर दो, ये क्लास ऐड कर दो, समझ रहे? वो सब यूज़ करना पड़ेगा, ट्रांजेक्शन भी करनी पड़ेगी। वो W3 स्कूल में है, वहां से सेल्फ स्टडी करनी है। सही। अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखें? ये हो गया, सेक्शन टू में भी हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं। इसी तरह से सेक्शन टू के लिए क्लास बना देते हैं। हमारे दो सेक्शन बन गए। इसी तरह से हम लोग तीसरे सेक्शन के लिए बनाते हैं। ये हमारे बन गए तीनों सेक्शन। ये वाला एंड में रख दे दें ताकि थोड़ा सा फ्लो है। लेकिन सिर्फ पिक्चर्स हम लोग ने यूज़ करी और वेबसाइट कितनी थोड़ी स्टैंडर्ड वाली लगने लग गई और अच्छी भी लगने लग गई थोड़ी। अब हम लोग पे इस पे आते हैं। अब हम लोग फर्स्ट सेक्शन में एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है, पर अगर मैं ऐसे पैराग्राफ लिखूँ ना, अगर मैं फर्स्ट सेक्शन में आ रहा, यहाँ पे मैंने पी का टैग डाला, यहाँ पे मैं पैराग्राफ लिखने लग गया, द राइट रिक्वायरमेंट फॉर योर पीसी इस हेयर कर देते हैं। सही है, ये इतना अजीब सा लग रहा है। अभी हम लोग इसको बना देते हैं, ला देते हैं। बल्कि क्लास की भी ज़रूरत नहीं है इसमें, इसको हम लोग बनाते हैं। फर्स्ट सेक्शन है, फर्स्ट सेक्शन क्या चाइल्ड के थ्रू एक्सेस कर लेंगे। फर्स्ट सेक्शन पी, बैकग्राउंड कलर वाइट, वेट वेट कंटेंट हाइट, वेट कंटेंट पैडिंग 2% अब ये देखें, परसेंट में क्या हुआ? परसेंट
परसेंट में यहाँ से भी इसने 2% दी और यहाँ से भी 2%, यहाँ से भी 2%, यहाँ से भी 2%। पैडिंग जब चारों तरफ से देनी हो एग्जैक्ट तो वो 2% भी दे सकते हैं परसेंट में, वरना वी एच वगैरह लिखते हैं। तो यहाँ पे हम वाइट थोड़ा इसमें यहाँ पे ट्रांसपेरेंट करेंगे ताकि वाइट का शेप रहे कि दिखे कोई चीज़ है पर पूरा वाइट ना दे। थोड़ी सी बढ़ा देते हैं इसकी RGB ए, ये हो गया। अब इसको हम लोग देंगे मार्जिन, मार्जिन टॉप 40 30 VH के बीच में लाए थोड़ा। बाकी इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है किसी को याद है? मिड पे लाने की। आइन एटम सेंटर होती है, ऑटो फिट अब दिख रहे ऑटो, क्या ऑटो ऑटो फिट ऑटो फिट तो नहीं आ रही? सेंटर सेंटर मिडिल या सेंटर सेंटर अलाइन एटम सेंटर होगा ना। फर्स्ट सेक्शन में करेंगे ना, यहाँ पर आएंगे अलाइन आइटम सेंटर पर। हम लोग ने इसको ये दिया हुआ है तो मार्जिन इधर से बंद करने पड़ेंगे, नहीं चल रही, डिस्प्ले फ्लैक्स भी देनी पड़ेगी। अब हुआ है जस्टिफाई कंटेंट दे देना वर्टिकल के लिए, हॉरिजॉन्टल के लिए सर। सही, पर अभी हम लोग को इसको पूरे सेंटर पे नहीं लाना, हम लोग को इसको थोड़ा लेफ्ट रखना है। ये इससे तो ये हो गई कि ये यहाँ पे सेंटर में है, पर अभी हम लोग को मार्जिन लेफ्ट इधर से देते हैं 20 VH। अब ये देखें इससे क्या हुआ, अगर मैं ये करूँगा ना कोई भी स्क्रीन से करूँगा VH VW से, ये देखें हाइट भी इसकी छोटी बड़ी हो रही है एग्जैक्ट स्क्रीन की विथ और हाइट की वजह से, देखना। इस तरह से अभी हम लोग फर्स्ट सेक्शन के पी पे इसको बॉर्डर रेडियस दे दें, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल। परसेंट दे देना, नहीं 5 पिक्सल ही सही है, 5 पिक्सल। बॉक्स शेडो एंड पिक्सल्स, ये देखें थोड़ा होवर इफेक्ट आ जाता है इस तरह से कि मतलब लगता है कि ऊपर ऊपर हुआ हुआ है हमारी डिफ। इसमें हम लोग इतना करते हैं, सेकंड पे आते हैं, या फिर इसमें कुछ और भी लिखें, यहाँ पे कुछ और भी लिख लेते हैं। यार फ्रंट एंड ना काफ़ी बोरिंग होती है, अगर हम कर रहे होते ना बैक एंड फिर भी इंटरेस्टिंग होती है, बैक एंड में लगानी होती है लॉजिक्स। कर दूंगा मैं डिस्कॉर्ड पे अपलोड, फ्रंट एंड पे पिक्सल परफेक्ट बनाना होता है। लेकिन लॉजिक उनको मतलब मजा आता होगा जिनको लॉजिक आते होंगे, हम तो अगर मैं आप लोग को एक सर्वर का कोड दिखाता हूँ, अच्छा नेक्स्ट जो मॉड्यूल है ना वो हम स्टार्ट ही गिटहब से करेंगे सबसे पहले, अभी तो आप लोग वो कर रहे होंगे ना
अभी हम लोग को आप फोल्डर बना के दे रहे होते हैं, फोल्डर बना के दे रहे होते हैं, इस तरह से आपका पोर्टफोलियो कोई क्रिएट नहीं होता है। तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट में जब आपके टास्क आप लोग को ऐसे ऐसे मिलेंगे जो आपके एग्जिस्टिंग, अच्छा ये बात ध्यान से रखिएगा, जो आप वेबसाइट अभी बना रहे हैं ना अच्छी बनाइएगा। नेक्स्ट मॉड्यूल में आपको पहली जो पहले दूसरे वीक का जो टास्क होगा ना वो इसी से रिलेटेड होगा कि इसको मीडिया क्यूरी लगा के या बूटस्ट्रैप पढ़ा के, जो भी उस टाइम पे पढ़ाऊंगा मैं टेलमेंट पढ़ा के, उस समय आप लोग को लगवाएंगे, इंटीग्रेट कराएंगे ये सारी चीज़ें। इसको आपको जो अभी असेसमेंट बनाएंगे नेक्स्ट मॉड्यूल में इसको मीडिया मतलब रिस्पॉन्सिव बनाएंगे, सही है। इस तरह से रिपोजिटरी होती है ये, जैसे बैक एंड एक ये स्टार्टिंग ही कर रहा था मैंने, ये बस बेसिक सी ऐप बनी हुई है छोटी सी बैक एंड की। बैक एंड की ऐप इतनी बड़ी बड़ी भी होती है, रुके मैं दिखाता हूँ शायद वो। ये काफी पुराना कोड है, ये देख रहे हैं ये कितनी लाइनों पे जा रहा है, 500 लाइनों पे, ये पूरा बैकएंड का कोड हुआ है। ये सारे लॉजिक्स हैं इसमें, क्या अगर ये आई उधर क्या भेजो क्या करो, मिडलवेयर्स भी यूज में, ये सब आपको बनाने हैं। बैकएंड इजी है या फ्रंट एंड इजी है? टाइम यार कौन से वाला ज्यादा लेता है, मतलब अगर सीखना? यार देखो, सीखना हो तो दोनों चीज़ें ही सेम है, पर असल में बैकएंड पे सिर्फ वही जा पाते हैं सही से जो जिनका ना माइंड तेज हो, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे कर सकें, जिनका कंसंट्रेट भी ज़्यादा हो। फ्रंट एंड पे क्या होता है, आपके पास ज़्यादातर आप लोग को वो दे दी जाती है यूआई यूएक्स डायग्राम, बस आपको पिक्सल परफेक्ट करना होता है कि रिस्पॉन्सिव करते भी कोई आपकी एप्लीकेशन पढ़े नहीं। खैर वापसी आ जाते हैं, हम लोग इस पे आ जाते हैं, इसमें हम लोग यूज़ करते हैं, यहाँ पे गूगल पे आते हैं, गूगल फॉन्ट्स, यहाँ पे गए फॉन्ट गूगल, यहाँ से आप लोग फॉन्ट्स यूज़ कर सकते हैं, ये वाले थे आई थिंक, ये आ गए फॉन्ट्स, सही है। इसमें कोई ये वाले हम लोग यूज़ कर लेते हैं, ये वाले कोई से भी ये वाले यूज़ कर लेते हैं। अभी इसको लगाने के लिए ना आप ये भी कर सकते हैं, पर हम लोग स्टाइल शीट में लगाएंगे, तो यहाँ से ये एट द रेट इम्पोर्ट उठाएं यहाँ तक, स्टाइल के अंदर वाली चीज़ यहाँ से उठाएं, यहाँ पे आएं, तब से ऊपर जाएं और ये कर लें। इससे क्या होगा, जो हम लोग ने यहाँ पे फॉन्ट चूज करे ना, वो हम लोग अपने उसमें भी इस तरह से फॉन्ट फैमिली की तरह यूज कर सकते हैं। जैसे अब मैं इस पूरे को स्टार को हम लोग दे देते हैं फॉन्ट फैमिली, ये हमारी वेबसाइट का, ये देखें सारे फॉन्ट चेंज हो गए। और मुझे ये स्टार में नहीं देना, मुझे सिर्फ ये देना है, इसको मुझे देना है सिर्फ उस पे, इस वाली उस पे। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, फॉन्ट फैमिली यूज़ करूँगा अपने इसमें, दैट्स इट, ये सारी चीज़ें हो। अब हम लोग यहाँ पे फॉन्ट फॉन्ट वेट भी कर लेते हैं, फॉन्ट वेट बोल रहा हो गया, इससे हमारा फोन थोड़ा डार्क हो जाता है। अब हम इस पे आ जाते हैं, इसमें थोड़ी सी और भी चीज़ें डालते हैं, वापसी इस पे आते हैं, H1 भी इसके अंदर एक बनाते हैं, पैराग्राफ के अंदर ही बना देते हैं, H1 द राइट चॉइस, द राइट चॉइस,
अब हम लोग इसको पी को हटा के ये सारी जो चीज़ें हम लोग ने करी हैं वो हम लोग दे देते हैं यहाँ पे डिव बना दें। अच्छा अगर किसी क्लास नेम से आपको डिव बनानी हो, जैसे आप किसी ना डिव बनानी है पर उसमें बाद में क्लास नेम डालना है, तो शॉर्ट फॉर्म ये होता है आप डॉट डालें और क्लास नेम लिख दें, जैसे लिख देते हैं सेक्शन 1 डिव, एंटर दबाया, ये देखें हो गई। अब मैं ये दोनों चीज़ें उठाऊंगा इसमें ले जाऊंगा और ये इसका यहाँ से ये पी वाली हेडिंग हटा के वो डाल दूंगा सेक्शन 1 डिव, ये हो गई। राइट चॉइस हमारी आ गई और वो भी आ गया और इसको हम लोग दे देते हैं सेक्शन 1 डिव है ना, ये हम लोग H1 को दे देते हैं H1 एक्स डेकोरेशन अंडरलाइन, ये आ गई इसके नीचे अंडरलाइन आ गई। और भी कर सकते हैं हम लोग, डॉटेड भी कर सकते हैं, डैश भी कर सकते हैं, डैश आनी चाहिए, आनी ओवरलाइन भी कर सकते हैं, किसके ऊपर आनी थी लाइन आती नहीं है, अंडरलाइन ही कर लेते हैं, अभी अंडरलाइन हो गई द राइट चॉइस। अब वापसी इस पे आए, ये हम लोग चेंज कर लेते हैं द राइट कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी लिख दो यार। इसको थोड़ा सा गैप देना है तो हम लोग H1 में इधर है, यहाँ पे हम लोग दे देते हैं पैडिंग मार्जिन बॉटम, मार्जिन बॉटम 2VH, ये हो गई, थोड़ा सा गैप हो गया, ये हमारा हो गया। पर इसको हम लोग ये जो सेक्शन 1 है इसको यहाँ से ये नहीं करेंगे, अलाइन आइटम सेंटर हम लोग इसमें ही थोड़ा सा ले लेंगे, हम लोग ज़्यादा बॉटम पे नहीं जाएंगे, मार्जिन टॉप 20VH थोड़ा सा और, सही। अब ये देखें थोड़ी सही जगह पे आ रहा है कि मतलब इस टेक्स से भी लाइन अप हो रहा है और यहाँ पे इसके बैकग्राउंड पे ज़्यादा कोई इमेज नहीं है, ज़्यादा वाइट ही है। अगर मैं थोड़ा और नीचे हम लोग टेक्स्ट अलाइन सेंटर करके जब मैं यूज़ कर रहा था उसमें क्या था कि ये फ्लावर पे आ रहा था तो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो रही थी इमेजेस। इसमें इमेज डिस्टर्ब नहीं होगी, अब हम आगे आ जाते हैं। मैं लिख देते हैं 2 BR का डाल देते हैं, फिर यहाँ पे लिख देते हैं डेप्थ वाई आर हियर, ये भी अभी देखें थोड़ा सा यहाँ पे आ रहे हैं ना, थोड़ी इमेज डिस्टर्ब लग रही है कि इसके भी आ रहे हैं इस पे भी आ रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर इसको और कर देंगे हम लोग 33 कर देते हैं 32, सही ये सही आ रहा है। अब हम लोग थोड़ा नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट वाले पैराग्राफ पे पहले, या फिर एक काम करते हैं ना सबसे इंटरेस्टिंग बनाते हैं थोड़े, इसको सुपरमैन लगा देते हैं या फिर हम लोग एक डिव बनाते हैं बॉडी के बाद सुपरमैन डिव, यहाँ पे मैं डॉट सुपरमैन लगा देता हूँ, इस डिव को एम्प्टी रहने देंगे,
और यहाँ पे बल्कि इस पे हम लोग कर देते हैं, इमेज लगा देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग सुपरमैन कॉपी करेंगे, यहाँ पे एक डिव बनाएंगे और सुपरमैन, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे डॉट सुपरमैन पोजीशन एब्सोल्यूट। ये आ गई हमारी, थोड़ी बच्चों वाली लग रही है पर इसको करते हैं कुछ। यहाँ पे एयरप्लेन वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं यहाँ पे, और हम हाइट दे देंगे 20 पिक्सल, ज़्यादा बड़ी नहीं करनी। मार्जिन टॉप 20 पिक्सल, बॉटम कर देते हैं बॉटम 20 पिक्सल, सही आ गया। हाइट को दे देते 20 VH, नहीं 5 VH, 5 नहीं 10 दे देते हैं, और लेफ्ट बिल्कुल राइट देते हैं राइट 5 VW। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं स्क्रॉल करूँ तो ये फिक्स भी रहे और रोटेट होती रहे कि मतलब घूमती रहे। इसके लिए एक वो होता है ऑन स्क्रॉल ESS एनिमेशन, ये देखो फ्रेम्स, या की फ्रेम्स पे तो नहीं जाएगी, एक मिनट हम लोग इसको करते हैं, 3 क्लास बनाते हैं, सही है। माइक से शोर आ रहा है। हाँ सर्च करें, बेसिक है आपके, मतलब सभी सर्च करें, सर्च के बगैर कोडिंग में काम नहीं होता। ओवरफ्लो स्क्रॉल होता है, ओवरफ्लो स्क्रॉल होता है, ओवरफ्लो स्क्रॉल, हाँ वो होता है। तो जैसे ये है, ये भी एक ओवरफ्लो की एग्जांपल है। अभी हम लोग करते हैं की फ्रेम से तो नहीं कर रहे, हम लोग यहाँ पे एक स्क्रिप्ट बना देंगे में हम लोग कर देंगे स्क्रॉल का फंक्शन, ये देखें ये इवेंट टारगेट करेगा, ये देखें स्क्रॉल दिस टाइम,
ऐसे होता है आप यार, अभी हम लोग पहले इस पे अपना बेसिक वो बनाते हैं, फिर सुपरमैन को घुमाते हैं, फिर यहाँ पे नीचे वाले पे आते हैं। पहला सेक्शन इतना कंप्लीट है, या फिर हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, इस पे हम लोग बना देते हैं दो और भी बटन बना देते हैं। बटन्स, सही है, बटन्स, बटन ड्यू बना देते हैं, एक बटन कर देते हैं यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे बटन डिव। लिए आइकन यूज करते हैं, यहाँ पे हम लोग जाएंगे और फॉन्ट ऑसम आइकन्स, या फिर डब्ल्यू कोई सी भी इमेज लगा देंगे कि जिसका टॉप हो और नीचे हो। सही है, यहाँ पे इसकी वाली स्टाइल शीट कनेक्ट कर दी, ये CDN है। देखें, CDN में और स्टाइल शीट में फ़र्क ये होता है कि जो हमारी स्टाइल शीट होती है ना, ये इसके पीछे HTTPS वगैरह कुछ भी नहीं लगता, और ये हमारे लोकल सिस्टम पे अवेलेबल होती है। और जिस तरह से CDN होती है, क्लास लेंदी नहीं है ये, शायद 10 बजे तक गया है मैक्सिमम, वरना आपको कोड मिल जाएगा कि थोड़ा बहुत एडिट करके आप लोग बाद में भी कर सकें। CDN में ये फ़र्क होता है कि ये डायरेक्ट नेट से उठा रही होती है, CDN नहीं चलेगा जब तक कि आपके पास नेट कनेक्ट नहीं होगा, और उसके अलावा ये चलते रहेगी क्योंकि ये आपके पास लोकल में। यहाँ ये ऑफलाइन चलती है ना? ये ऑफलाइन नहीं चलती, ये ऑफलाइन चलती है, ये ऑनलाइन ही चलती है, जब आपका नेट कनेक्ट होगा ना जब ही चलती है ये। सही है, अभी हम लोग ये वाली क्लास कॉपी करेंगे, यहाँ पे बटन पे ये लगा देंगे एरो डाउन, आए हमारे बटन है, नहीं है MTR नहीं, फिर इसको भी हटा दें। आप इसी पे आ जाते हैं, पहले ये पूरी वेबसाइट कंप्लीट करते हैं, फिर आपको ये वाले फीचर्स देंगे, फिर इसमें आ जाते हैं। इसी तरह से इसको एक कॉपी करें सेक्शन 2 में, मतलब सेक्शन 2 की चीज़ों में डाल दें, सेक्शन 3 में भी इसी तरह से डाल दें, ये हमारे पास तकरीबन ऐसे आ गए। पर इसको हम लोग को दूसरी तरीके से करना है, इसको हम लोग बैकग्राउंड वाइट करना है, तो हम लोग सेक्शन 3 और सेक्शन 2 में कर देते हैं, सेक्शन 2 और 3 में कर देंगे, तो फिर यहाँ पे सेक्शन 1 वाली H1, इन तीनों को कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल डी,
पे भी टू हुआ हुआ है, थ्री पे नहीं हुआ हुआ कुछ, तो यहाँ पे आ जाएगा। टू पे आते हैं, टू पे हम लोग चेंजेस करते हैं यहाँ पे। ये थोड़ा यहाँ पे अच्छा लग रहा है, और इसको हम लोग करते हैं यहाँ पे। बैकग्राउंड थोड़ा डार्क कर देते हैं। सही, इसमें भी कुछ लिख देते हैं। इसका हम लोग के पास टेक्स्ट छोटा है, तो हम लोग इसको टेक्स्ट का ना हाइट वेट बढ़ा देते हैं थोड़ी। इसमें हम लोग दे देते हैं फॉन्ट साइज लार्जर कर देते हैं, और अंडरलाइन हटा देते हैं। इसी तरह से थर्ड सेक्शन में भी कर देते हैं। ये हो गया, इसमें हम लोग दे देते हैं इसको इस साइड पे इमेज। ये अशीषपुर आपको जिप में बना के देंगे ना जी। जी ये जिप में दे दिएगा, ये और इसके टेक्स्ट का हम लोग कलर कर देते हैं वाइट, डिलीट कर देते हैं। इमेज पूरी गायब हो गई, कहाँ गई? अच्छा सही है, टर्मिनेटर नहीं लगाया हुआ था ना। ये सही है, ये मैच कर रहे हैं ना इस वजह से। तो इस तरह से एक पूरी वेबसाइट बनानी है। अभी तो ये एक पेज ही बना है, बेसिक सा छोटा सा बना है। तो इस तरह से जावास्क्रिप्ट वगैरह लगा के मैं आपको ये वाला रोटेट करके दूंगा। इस तरह से ये अभी होम का पेज बनाया हमारा। इसी तरह से अबाउट का पेज बनाइए, कॉन्टैक्ट का बनाइए, फैक एंड टर्म्स का। इस तरह से 2 वीक हैं आपके पास पूरी एक बेसिक वेबसाइट जो होती है ना फ्रंट एंड की, वो बना के दें खूबसूरत सी अच्छी सी। यहाँ पे भी लोगों पे इमेज वगैरह लगा दिया, तो एक बेसिक सी अच्छी सी वेबसाइट बनाए जिसमें फ्रंट पे फुटर में भी ऐसे लिंक हो, और उसमें भी नेव बार में भी। ये मैं आपको अभी उस पे दे रहा हूँ जिप करके। हाँ ये मैं जिप बना दी है, ये मैं आपको अभी दे रहा हूँ।
कौन सा नेट से कनेक्ट है? चलिए मैं आप लोगों को सेंड करता हूँ, आज की क्लास यहाँ तक ही रखते हैं। तो इसमें आपके पास बेसिक सारी चीज़ें हैं कि किस तरह से बनेगा, बेसिक स्ट्रक्चर है, और एक अच्छी सी वेबसाइट बना के दें। 2 हफ्ते का टाइम है। हाँ मैं एयरफोर्शियर अपने लिए यूज़ करता हूँ कि थोड़ी प्राइवेसी रखूँ। तो आपको ये लेक्चर भी मिल जाएगा, और ये भी अभी लेक्चर भी पॉज कर देते हैं।